नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है। सीडीएस से मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीडीएस बिपिन रावत से सीएम त्रिवेंद्र ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ सांसद राजलक्ष्मी शाह और अजय भट्ट भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं, जब सीडीएस बिपिन रावत से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। और देखिए, क्योंकि बिपिन रावत खुद उत्तराखंड से हैं, ऐसे में जब उत्तराखंड के सीएम दिल्ली पहुंचे तो यहां पर सीडीएस से मुलाकात की। सीडीएस से मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। शिष्टाचार भेंट ये रही, और क्योंकि नाता है देखिए उनका उत्तराखंड से, देवभूमि से, तो ऐसे में सीएम के साथ सांसद राजलक्ष्मी शाह और अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सीडीएस से उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। सीडीएस स्टाफ बिपिन रावत से सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की। ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब देखिए बुके गिफ्ट किया उपहार में और इसी के साथ स्वागत भी किया, क्योंकि देखिए शिष्टाचार भेंट ये रही है। और इसके में जाहिर सी बात है, इस दौरान में उत्तराखंड के कई मसलों को लेकर भी हो सकता है कि चर्चा हुई हो। सीएम के साथ सांसद राजलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिपिन रावत से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि। इस मौके पर हमारे संवाददाता ऐश्वर्या शर्मा ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की, जरा वो भी देखिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप यहाँ पे आज श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको आज अपने राज्य की ओर से उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद से जो लड़े और शहादत जिन्होंने अपने देश के लिए दी है, उनके प्रति हम सब का कर्तव्य है कि उनको हम स्मरण करते रहें और उनसे प्रेरित होते रहें। तो उन्हीं को आज श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर आया। सर, उत्तराखंड में कुंभ की तैयारी शुरू हो गई है जोरों शोरों से। प्रयागराज के कुंभ की बात करें तो काफ़ी जनसंख्या में हिंदुस्तान के नहीं, बाहर के भी लोग आए थे, तो उत्तराखंड में क्या विशेष रहेगा इस बार कुंभ में? देखिए, उत्तराखंड का जो कुंभ था पहले, एक तो वो एक बहुत सीमित क्षेत्र में होता था। इस बार हमने लगभग उसका एरिया डबल से भी ज़्यादा किया है, क्योंकि हमको ये उम्मीद है कि 12 करोड़ से अधिक लोग इस बार हरिद्वार के कुंभ में आएंगे। और उस दृष्टि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उस दृष्टि हमने बहुत अलग तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो शाही स्नान होते हैं, जब पेशवाइयाँ निकलती हैं, तो एक विशेष आकर्षण होता है उसमें। और हर किसी की तमन्ना होती है कि एक बार हम अपने जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, उनकी पेशवाई को देखें। तो उसके लिए हम इस बार कुछ अलग से हट करके हम लोगों ने उसके लिए प्लानिंग किया है। और निश्चित रूप से हरिद्वार का जो कुंभ होगा वो आने वाले कुंभों के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। 3 साल हो गया आज उत्तराखंड सरकार को, आप लोगों ने बहुत सारे काम किए। स्कूल होने के लिए अभी 1 महीना रह गया, फिर बताएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से आयोजित देवभूमि चिकित्सा सेवा के 7 वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रावत ने कहा कि मिशन लगातार 7 सालों से उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थिति में मौजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और अन्य दूरस्थ जगहों में अपनी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, ये अतुलनीय है। सीएम रावत ने कहा, 3 साल पहले राज्य में डॉक्टर्स की संख्या 1087 थी, अब बढ़कर 2100 हो चुकी है। सीएम रावत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड चमोली जिले में मौजूद घेस गांव को नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। देहरादून से गोचर तक हेली सेवा प्रारंभ हुई है, अब देहरादून से गोचर 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आज सबसे पहले बधाई देता हूं विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी को कि लगातार 7 वर्षों से उन दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के और वो अपनी चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रही हैं, जहां पर पहुंच पाने में काफ़ी कठिनाई होती है। मैं इस चीज़ को बहुत
अच्छी तरह महसूस करता हूँ। इसलिए महसूस करता हूँ कि मैंने खुद अपने परिवार में डॉक्टर्स के अभाव में और जवान मौत देखी है, और जब भी मैं डॉक्टर्स के बीच में और जब भी मेरी चिकित्सा सेवा से संबंधित बातचीत होती है तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल भी होता है, क्योंकि जब मैं प्रचारक जीवन से लौटा तो उस भाई की मौत भी एक कारण थी। बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी, और इसलिए उत्तराखंड राज्य में जब मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली तो मैंने स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया। आज सबसे पहले बधाई देता हूँ। हर बुधवार और गुरुवार को विधानसभा में मौजूद रहेगी सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हर बुधवार और गुरुवार को विधानसभा कार्यालय में बैठने के लिए अब ये निर्देश दिया है। सभी मंत्रियों को भी हर बुधवार और गुरुवार को विधानसभा में रहने के निर्देश हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर जारी किया गया है यह आदेश। तो अब बुधवार गुरुवार को सभी मंत्री अब मौजूद रहेंगे, लोगों के लिए उनकी बात सुनेंगे, मुद्दों पर काम करेंगे, विधानसभा के अंदर ही मौजूद रहेंगे मंत्री। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर बुधवार और गुरुवार को विधानसभा कार्यालय में बैठेंगे, और खुद उनके साथ साथ कैबिनेट के बाकी के सदस्य भी बुधवार गुरुवार विधानसभा में ही बैठेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये निर्देश दिए, इसके बाद सभी को अब इसे फॉलो करना होगा। अब सरकार बुधवार और गुरुवार को विधानसभा में मौजूद रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर, उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की गई जान। गंगोत्री राजमार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से हादसे में 6 लोगों की गई जान। गंगोत्री राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की मौत। गंगोत्री राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना। चिरंजीव सेमवाल है हमारे साथ, और चिरंजीव क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? सड़क हादसे की बात करें तो सड़क के दोपहर 2 बजे की बात है, जब गंगोत्री राजमार्ग दराज नालेपानी के पास जो है एक कार जो है 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 6 लोग सवार बताए जा रहे थे। 6 लोगों की जो है 5 लोगों की जो है घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की जो है हरियाणा की बताई जा रही है, अस्पताल लाते समय जो है रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से गहरी खाई में कार जा गिरी, और उसके बाद वहां का नजारा देखकर देखिए आप भी शायद एक बार को सख्ते में आ जाएं। आप देखिए कितना भीषण सड़क हादसा हुआ, हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जो गाड़ी में सवार लोग थे। कितनी ऊंचाई से खाई से ये कार गिरी है, और उसके बाद देखिए किस तरह नदी में बिल्कुल पत्थरों पर जा टिकी, और इस दौरान में इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। ये उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये भीषण सड़क हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार, और गहराई देखिए इस खाई की, कितनी गहराई है जहां से ये कार गिरी है, ऊंचाई इतनी ज्यादा जहां से ये कार नीचे गिरी, और फिर उसके बाद सीधे जहां से नदी बह रही है वहां पत्थरों पर जाकर टिक गई। लेकिन तब तक लोगों की जान जा चुकी थी जो इसमें सवार थे। हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा, जिसमें खाई में कार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई।